वेलकम टू द रघुवंश गवर्नमेंट स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। टियर से आज हम पढ़ने वाले हैं साइंस, और साइंस में हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर 13। इसका नाम है साउंड। साउंड क्या होता है? साउंड जो मैं आपको बोल रहा हूं, आपको सुनाई दे रहा है, ये साउंड है। साउंड आपके आसपास में हम कुछ ना कुछ हर टाइम सुनते रहते हैं, कभी किसी तरह का साउंड, कभी किसी तरह का साउंड, ठीक है। तो म्यूजिक में भी साउंड है एक तरह का, कोई आपको आवाज लगाता है वो भी साउंड है। किसी तरह का किसी ऑब्जेक्ट से कोई आवाज निकलती है, ट्रैक्टर बाइक से आवाज, कार से आवाज निकलती है, वो भी साउंड एक तरह का है, ठीक है। क्या होता है साउंड, इसी चैप्टर को कंप्लीट करेंगे आज। हाउ डू यू नो बी दैट अ पीरियड और इज ओवर इन योर स्कूल? You come to know easily that someone is at your door when the knocks you are hear the sound of doorbell। मतलब कभी कोई आपके गेट पे आता है, वो आपकी नॉक करता है, आपके गेट को खटखटाता है या फिर डोर बेल को रिंग करता है, तो क्या करता है, आप उसकी डोर बेल आवाज सुनते हो। Most of times you can make out that someone is approaching you by just hearing the footstep। कभी कभार हम फुटस्टेप से सुनकर भी क्या कर सकते हैं, इसे समझ जाते हैं कि कोई आ रहा है। यू माइट हैव प्लेड अ गेम कॉल्ड हाइड एंड सीक। इन दिस गेम अ पर्सन इज ब्लाइंड फोल्डेड एंड हैज अ कैच द रिमेनिंग प्लेयर्स। हाउ इज द ब्लाइंड फोल्डेड पर्सन एबल टू गेस विच प्लेयर्स इज क्लोज टू हर? कभी कभी हम एक लुका छुपी वाला गेम खेलते हैं। लुका छुपी मतलब कि हम एक व्यक्ति को आंख में पट्टी बांध देते हैं और वो बोलते हैं, वो फिर दूसरे लोगों को ढूंढता है, पकड़ता है, इन द सेंस। साउंड प्लेस एन इंपॉर्टेंट रोल इन अवर लाइफ। इट हेल्प अस टू कम्युनिकेट विद वन अनदर। वी हियर अ वैरायटी ऑफ साउंड्स इन अवर सराउंडिंग्स। हमारे आसपास अलग अलग तरह के साउंड होते हैं। मेक अ लिस्ट ऑफ साउंड्स यू हैव इन अवर सराउंडिंग्स। इन दिस इन द म्यूजिक रूम ऑफ योर स्कूल यू हियर द साउंड प्रोड्यूस बाय म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक फ्लूट, तबला और हारमोनियम। हाउ इज साउंड प्रोड्यूस? हाउ डज इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर? हाउ डू वी हियर साउंड? व्हाई आर सम साउंड्स louder than others? ऐसा क्या कारण होता है कि कुछ साउंड होते हैं वो louder than others होते हैं, मतलब ज्यादा आवाज के पास ज्यादा हैवी होते हैं वो? We shall discuss such questions in this chapter। इसी तरह के हम कुछ questions के बारे में chapter में बात करने वाले हैं। Sound is produced by a vibrating body। मतलब कोई भी चीज वाइब्रेट करती है तो वो साउंड प्रोड्यूस करती है। टच अ स्कूल बेल, एक स्कूल बेल को टच करें आप। व्हेन डू इन यूज दैट वी डू फील अगेन टच इट व्हेन प्रोड्यूसिंग साउंड कैन बी फील इट वाइब्रेटिंग। मतलब जब वो कोई आवाज नहीं कर रही होती, हम उसमें नहीं बजा रहे होते हैं स्कूल बेल को, तब और जब हम उसको बजाते हैं उसमें कुछ मारते हैं बहुत तेजी से, ठीक है, और फिर उसके बाद हम उसको टच करते हैं तब, तो आपने देखा होगा कि हम उसको मारते हैं कुछ तो वो वाइब्रेट करती है। एक एक्टिविटी दी है वो एक्टिविटी 3.1, इसमें आपको यही बताया गया है। एक्टिविटी 3.2 ये भी सेम चीज है, इसमें हमने रबर बैंड को वाइब्रेट किया है। एज यू लर्न इन क्लास 6-7 द टू द एंड टू और बैक और फोर्थ मोशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वाइब्रेशन। व्हेन अ टाइटली स्ट्रेच बैंड इज पॉक्ड एट वाइब्रेट एंड प्रोड्यूस साउंड, व्हेन इट स्टॉप्स वाइब्रेटिंग इट डज नॉट प्रोड्यूस एनी साउंड। किसी तरह की कोई रबर बैंड है उसको हम वाइब्रेट करते हैं, उसको खींचते और छोड़ देते हैं तब वो साउंड प्रोड्यूस करती है, ठीक है। एक्टिविटी 3.3 है, यहाँ पे भी उसी चीज के बारे में बता रहे हैं, थाली या किसी चीज को बजाने के बारे में, तो भी वो वाइब्रेट करते हैं। बी सी दैट अ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस साउंड्स इन वन केस द
vibrating are easily visible to us. Vibration को हम easily देख सकते हैं, but in most cases their amplitude is too small that have can be seen. However, we can feel them. Activity 13.4 यहाँ पे जो एक वो है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, एक तारा इसको बोलते हैं. ठीक है, तो आपने देखा होगा कभी बहुत सारे लोग गली में बजाते आते हैं, कोई सही मांगते हैं हमसे, मार्केटिंग में जाते घूमते रहते हैं, मूवीज में सिंग एल्बम्स में आपने इसको जरूर देखा होगा, एक तारा जो है. या फिर आपने एक वो इंस्ट्रूमेंट देखा होगा जो वो एक बड़ा सा होता है, इसमें तार बंधे होते हैं, वो उसको मैसेज से बजाते हैं. Make a list of familiar musical instrument and by activity their vibration ports on you. Example are given in table. Complete rest of table. Musical instrument and their vibration part. Musical instrument क्या है? वीणा है, तबला है, तो इनके vibration कौन कौन से vibration part करते हैं, part vibration करते हैं वो आते हैं, उसको आप आगे फिर करना. पहला है वीणा, तो एक जो स्ट्रिचिंग होती है वो काम करता है. तबला में क्या होता है, जो इसी तरह ढोलक में कौन सा काम करता है, कौन सा वाइब्रेटिंग पार्ट होता है, साउंड प्रोड्यूस करता है जो. और क्या होता है, और क्या होता है, मतलब इतने सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं ना. ये देखिए मंजीरा जो होते हैं ना, वो ऐसे ऐसे बजाते हैं, हमने देखे हो तो वो भी एक इंस्ट्रूमेंट ही है. आप किया आप ही ले सकते हो. एक्टिविटी 3.5 है यहाँ पे, देख रहे हैं आप बिलो एंड टेक 6 and 8 पाउस और टम्बर्स फिल देम विद वाटर अप टू डिफरेंट लेवल्स इंक्रीजिंग ग्रेजुअली फ्रॉम वन एंड टू अदर. नाउ टेक अ पेंसिल एंड स्टिक द बॉल जेंटली स्टिक. मतलब यहाँ पे हमने इसमें क्या किया है कि एक ग्लास लिया है, उसमें मतलब एक नहीं, हमने 5 ग्लास लिए हैं, उनमें एक में ज्यादा भरा है, फिर उसमें कम भरा है, फिर इस तरह से मतलब भरा है, फिर उनको कम 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 करके, और फिर उसके बाद हमने इनको उसे किसी चीज से बजाया है, मतलब उसको हिट किया है, फिर उसमें जो साउंड का जो वाइब्रेशन का वो है वो देखा है फिर हमने कि क्या उसमें डिफरेंस आता है. साउंड प्रोड्यूस बाय ह्यूमंस, साउंड जो है वो ह्यूमंस के द्वारा किस प्रोड्यूस किया जाता है. स्पीक लाउडली फॉर अ वाइल और सिंगिंग अ सॉन्ग और वर्ड्स लाइक अ वी. पुट योर हैंड ऑन अदर एंड योर थॉट एज सॉन इन फिगर 13.8. डू यू फील एनी वाइब्रेशन, क्या आपने कोई वाइब्रेशन फील किया है. इन ह्यूमंस द साउंड इज प्रोड्यूस बाय द larynx. Put your fingers on the throat that find a hard one. मतलब आप यहाँ पे टच करके देखिए और कुछ बोलिए, आप अपनी जो वाइब्रेशन है उनको आप सुन पाएंगे अच्छे से कि आपके यहाँ पे थ्रोट में वाइब्रेशन होती है, आपका फील आपका जो हाथ है उनको आसानी से फील कर सकता है. This part of the body is known as the voice box. उनको क्या बोलते हैं? Voice box बोलते हैं. It is the upper end and the windpipe. Two vocal cords are stretched across the voice box and larynx in such a way that it leaves narrow slits between them for the passing of air. वो क्यों होता है, जो एयर पास होती है उसके कारण वहां पे वो वाइब्रेशन होता है. व्हेन द लंग्स फोर्स एयर थ्रू द स्लिट्स एंड वोकल्स कॉर्ड्स वाइब्रेट्स प्रोड्यूसिंग साउंड्स. हमारे जो लंग्स है वो इधर से हवा प्रेशर से इधर भेजते हैं और यहाँ पे वाइब्रेट करता है, उसके बाद उस आवाज करना हमारी आवाज निकलती है. एक्टिविटी 3.6 यहाँ पे आप देखेंगे कि दो डायग्राम है और दोनों डायग्राम में आप देखेंगे कि यहाँ पे जो कुछ वो बच्चे बजा रहे हैं साउंड, रबर स्टिप करके सब रबर को खींच के उसको साउंड के थ्रू कर रहे हैं और दूसरा कुछ यहाँ पे पेपर के उससे वो कर रहा है, मतलब आपके पेपर से. ठीक है,
तो इन दोनों को आप उसको रीड करना है, ठीक है। साउंड्स नीड अ मीडियम फॉर प्रोपागेशन, और ये सारी चीजें क्या है इनको हम अब रीड करेंगे आराम से नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। साउंड्स नीड्स अ मीडियम फॉर प्रोपागेशन, हम इसको नेक्स्ट क्लास में रीड करेंगे। तो आज के लिए इतना काफी है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो एंड स्टे होम स्टे सेफ।